सिंगरौली पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता रात के अंधेरे में एक्शन मोड में नजर आई। उन्होंने अवैध रूप से रेत और कोयले का परिवहन और तस्करी करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। रात में उन्होंने बिना कागजात चल रहे 50 वाहन पर कार्रवाई करवाई। रेत और कोल तस्करी रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता स्वयं रात्रि में आकस्मिक भ्रमण पर निकल पड़ती हैं। अवैध रूप से वाहनों का परिवहन, ओवरलोड कोल परिवहन, रेत परिवहन व अन्य वाहनों में दस्तावेज पूर्ण व सही नहीं होने से वाहनों पर कार्रवाई करवाती हैं। बीती रात कुल 50 वाहनों पर कार्रवाई की गई। महिला एसपी के इस एक्शन से अवैध काम करने वालों में हड़कंप है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।